अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं, और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। जितने भी पॉलिसी होल्डर है उनके पैसे हैं, और वो पैसे उन्होंने एक व्यक्ति जो उनका बहुत चाहता है अडानी, उसके कंपनी में बहुत अटके हैं। कम से कम 87,000 करोड़ गवर्नमेंट का पैसा उनके इन्वेस्टमेंट में गया है। बजट में कुछ है ही नहीं। रात में जैसे सोते हैं सपना देखते हैं, और सुबह उठिए सब साफ है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? टैक्स स्लैब घटा दिया, 5 लाख से 7 लाख कर दिया। अरे 5 लाख से 7 लाख ग्रुप सी के जो इम्प्लाई हैं उनको 8 लाख से ज्यादा मिलता है सालाना, तो वो भी फायदा में नहीं रहेंगे, और ग्रुप डी वाले पहले से ही फायदे में थे। कौन सा काम किया उन्होंने महंगाई को कम करने के लिए? कोई क्या कदम आप उठाएंगे रोजगार सृजन के लिए? क्या कदम उठाएंगे? फॉर बिजनेस एज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल ग्लोबल इंडिसेस मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द इकोनॉमी हैज बिकम पर्संस 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale and reach of their products, integrating them with the MSME value chain.